आप गल्फ की बात करते हैं, गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देश। जब खाड़ी देशों की बात करते हैं, द ग्रेट गल्फ, भारी गड्ढा। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन कहां ले जा रहा है, किस बात की ओर इशारा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम चौथे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसके 12 से 13 पद के विषय में सीखा था, अर्थात चौथे स्वर्गदूत की तुरही फूकने के विषय में सीखा था। आज हम प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 1 से 12 के विषय में सीखेंगे, यानी पांचवां सरदूत जब तुरही फूकता है तब क्या होता है। आप पांचवें सरदूत के बारे में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 1 से 12 तक, परंतु हम पहले 2 पदों को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। जब पांचवें सरदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। यहां जो है यूहन्ना देखता है कि स्वर्ग से एक तारा गिरता हुआ देखता है। यहां पर जो है यूहन्ना जब पांचवी तुरही फूकी जाती है तो क्या देखता है कि एक तारा को गिरता हुआ देखता है, अथाह कुंड खोला जाता है। और अथाह कुंड क्या है इसके बारे में भी सीखेंगे। सूर्य और वायु का अंधकार हो जाना, ये कौन सी विपत्ति को प्रकट करता है। यूहन्ना जो है जो एक तारा टूटता हुआ गिरता है, तो इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है कि यूहन्ना जो है तारा, जैसे हमने तारे के विषय में देखा कि तारा जो है स्वर्गदूतों को भी प्रकट करता है, तारा जो है वो मनुष्यों को प्रकट करता है, परंतु यहां पर जो है वो तारा स्वर्गदूत को प्रकट करता है। यानी यूहन्ना जो है वो एक स्वर्गदूत को जो है आता हुआ देख रहा है और उस स्वर्गदूत के हाथ में अथाह कुंड की कुंजी है। जी हाँ, अथाह कुंड की कुंजी है और उसको अथाह कुंड को खोलने का अधिकार जो है वो दिया गया है। ये समझें इस बात को। और अथाह कुंड जो है वो खोला जाता है कि सबसे पहले ये समझें कि अथाह कुंड है क्या। जब हम अथाह कुंड के बारे में समझ लेंगे कि अथाह कुंड क्या है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अथाह कुंड किसको कहते हैं। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, अधोलोक का पहला भाग और अधोलोक का दूसरा भाग देखे होंगे, तो उसके अंदर पूरा विवरण दिया हुआ है अधोलोक का, और उस अधोलोक में जो है अथाह कुंड के बारे में दिया गया है। परंतु हम यहां पर थोड़ा सा देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि अथाह कुंड है क्या। जब आप लूका 8 अध्याय और 31 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा दे। ये कौन है? ये वो व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा, बहुत सी दुष्ट आत्माएं भरी हुई थी और ये कब्रों में रहता था, ये जंजीरों से जकड़ा जाता था, जंजीरें भी तोड़ देता था। जब यीशु मसीह का इससे सामना होता है तब वो जो उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, जो इविल स्पिरिट थी, वो उससे विनती करती यीशु मसीह से कि हमें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा दे। अब वहां पर जो है बहुत ध्यान दीजिएगा कि वहां पर पास में एक झील थी और वो जितने भी स्वर थे वो सारी दुष्ट आत्माएं उन स्वरों में बैठ गई और वो जो था स्वर पूरा, लगभग 2000 के लगभग स्वर थे, वो सारे के सारे वो झील में जाकर गिर पड़े। यानी अथाह कुंड में जाने का रास्ता जो है यहां पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि वो पानी के जरिए से है अथाह कुंड में जाने का। बहुत गहरी बातें हैं, परंतु हम जो है डिस्कस कर रहे हैं पांचवें सरदूत ने जब तुरही फूकी तो क्या होता है, मगर थोड़ा सा अथाह कुंड की जानकारी दे देना चाहते हैं आपको। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय और 1 से 3 तक में जो है कि अथाह कुंड जो है वो खोला गया, जिसका वर्णन हम कर रहे हैं। और 11वें पद में क्या लिखा हुआ है, अथाह कुंड का दूत उनका राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबादोन और यूनानी में अपुलुल योन है, अर्थात विनाशक। इसका अर्थ होता है विनाश करने वाला या विनाशक। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, वे पशु अथाह कुंड में से निकलकर
परमेश्वर के दो गवाहों को मार डालेगा। यार ध्यान दीजिएगा, ये अथाकुंड जो है ये पृथ्वी के नीचे जो है वो बसा है और लगता है बहुत निचले स्थानों में है। ये संसार के अंदर भी है मगर संसार में दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए समझें ये अलग अलग प्रक्रिया जो है अथाकुंड की दिखाई जा रही है और बताई जा रही है कि पृथ्वी का अथाकुंड जो है वो कहां पर है और किस तरीके से है, यहां पर जो विशेष तौर से बताई जा रही है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 8 पद जब आप पढ़ेंगे, वे पशु पहले तो था अब नहीं है फिर आ जाएगा और अथाकुंड में से निकलकर विनाश में पड़ेगा। फिर है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1-3 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि शैतान जो है जंजीरों से बांधकर अथाकुंड में 1000 साल के लिए डाल दिया जाएगा। तो ये जो व्याख्या है बाइबल के अंदर जो दी गई है ये आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या चीज है, क्या लिखा हुआ परमेश्वर का वचन बताता है। फिर बाइबल के अनुसार ये जगह जो है अधोलोक में है, अधोलोक को इंग्लिश में अंडरवर्ल्ड कहा गया है। ध्यान दीजिएगा कि इसको अधोलोक को जो है वो अंडरवर्ल्ड कहा गया है। जैसे आपने देखा होगा कि पृथ्वी के जो ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश हैं वो 7 भागों में बटे हुए हैं। पूरी पृथ्वी जो है हमारी 7 भागों में बटी हुई है और कैसे बटी हुई है मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहला भाग है एशिया, दूसरा भाग है अफ्रीका, तीसरा भाग है यूरोप, चौथा भाग है उत्तरी अमेरिका और 5वां भाग है दक्षिण अमेरिका, 6ठा भाग है ऑस्ट्रेलिया और 7वां भाग है अंटार्कटिका। और वैसे ही अधोलोक जो है, जो कहते हैं पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी पर कहीं किसी जगह पे जो अधोलोक है वो भी 7 भागों में बांटा गया है। खासतौर से जो हम बात कर रहे करेंगे पृथ्वी के नीचे जो अधोलोक है उसके बारे में बात करेंगे, वो जो है सबसे पहला भाग है कब्र, दूसरा भाग है अंधेरे कुंड, तीसरा भाग है स्वर्गलोक या फिरदोस या जिसको पैराडाइज भी कहते हैं, और चौथा भाग है नरक जो पीड़ा का स्थान कहलाया जाता है, और 5वां भाग है भारी गड्ढा जिसको द ग्रेट गल्फ कहा गया है, और 6ठा भाग है अथाकुंड और 7वां भाग है आग की झील। मेरे ख्याल से ये चीज आपके समझ में आई होगी। अब यहां पर जो है अथाकुंड जो है वो कहां पर स्थित है ये जरा ध्यान देने की बात है। इसका यूनानी शब्द जो है एबिसोस आया है जिसका अर्थ होता है बहुत गहरा या जिसकी कोई था या सीमा ना हो, और रोमियो 10:7 जब पढ़ेंगे तो वहां पर जो यूनानी शब्द आया है वो एबिसोस शब्द का प्रयोग किया गया है और लूका 8:31 में भी इसी शब्द का जो है वर्णन मिलता गया है। जब आप पुराणों को पढ़ेंगे जो हमारे हिंदू समाज के जो पुराण हैं उनके अंदर पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी जो है अधोलोक को के 7 भागों का वर्णन जो है वो मिलता है, वो दिया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं वो कौन से 7 भाग हैं जो पुराणों में मिलते हैं। यहां लिखा है पहला अतल, दूसरा वितल, तीसरा सुतल और चौथा तलातल, 5वां महातल, 6ठा रसातल और 7वां पताल। पुराणों में जो है इसकी बहुत गहराई भी दी गई है, गहराई का भी वर्णन दिया गया और कितना गहराई का कि पुराण के अनुसार जो है इसकी गहराई 70,000 योजन अर्थात लगभग 9,10,000 किलोमीटर की गहराई तक जाना पड़ता है। अब सोचिए कि कितना गहरा है ये जो अथाकुंड है या जो पताल लोक है या जो अधोलोक है जिसके बारे में हम वर्णन कर रहे हैं। परंतु जब हम बात करते हैं पृथ्वी के ऊपर की बात करते हैं तो दिमाग के अंदर हमारे सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जो है वह आता है। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जिसका नाम कुबर पेड़ी है। कुबर पेड़ी को पृथ्वी का अधोलोक या पताल लोक के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहां पर ज्यादातर घर जमीन के अंदर बने हुए हैं और पूरा एक शहर जमीन के अंदर कई फिट नीचे बसा हुआ है। यहां सिर्फ घर ही नहीं, चर्च, मॉल और रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि जो हैं वो उसके अंदर बने हुए हैं। और जानते हैं आप यहां लगभग 1500 घर हैं। यहां के लोगों को अगर कोई चीज मंगानी पड़ती है तो पताल का एड्रेस जो है उनको बताना पड़ता है, पताल लोक का एड्रेस जो है वो बताना।
ऑस्ट्रेलिया में जो है ये एक जगह है जहां पर दिया गया है कि इस बात को हम अच्छे से समझ लें कि जब हम अथाह कुंड की बात करते हैं कि अथाह कुंड है कहां, तो उसके बारे में जो है, जो परमेश्वर का वचन है जो बात करता है, जब आप पढ़ेंगे लूका 16 अध्याय उसका 19 से 31 पद तक, धनवान व्यक्ति और लाजर की जब आप कहानी कह लीजिए या दृष्टांत कह लीजिए उसको जब पढ़ेंगे, तो वहां पर जो वर्णन दिया गया है कि जब धनवान व्यक्ति जो मर गया था और नरक की पीड़ा में पड़ा हुआ था, और जो लाजर व्यक्ति वो भी मर गया था और वो अब्राहम की गोद में है, वो जो है धनवान व्यक्ति नरक में पीड़ा में पड़ा हुआ उसको लाजर को अब्राहम की गोद में देखता है और क्या कहता है कि अपनी उंगली का एक सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ पे रख दे। वो अब्राहम से आग्रह कर रहा है कि इसको भेज दे। अब्राहम जो है वहां पर एक बात बताते हैं कि ये जो है तेरे और इस जगह के बीच में जो है एक बहुत भारी गड्ढा है। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत भारी गड्ढा है, ना तो उस पार से कोई इस पार आ सकता है और ना इस पार से कोई उस पार जा सकता है। मगर ध्यान दीजिएगा, उस भारी गड्ढे के नीचे जो है वो अथाह कुंड है। जब आप बाइबल इसकी स्टडी बड़ी बारीकी से करेंगे तो इस जरा और एक बात ध्यान रखिएगा, इस भारी गड्ढे को इंग्लिश में जो है ग्रेट गल्फ कहा गया है। बड़ा इस शब्द को जो है देखिए भूलिएगा नहीं, ग्रेट गल्फ, इसको ध्यान में रखिएगा और दिमाग में बसा के रखिएगा कि आखिर परमेश्वर का वचन क्या भेद खोलने जा रहा है, इसका क्या भेद है, है? कि इस शब्द को याद रखना, इसको भूलेगा मत। इसका भारी गड्ढे जो है नीचे यानी अथाह कुंड है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप गल्फ की बात करते हैं, गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देश, जब खाड़ी देशों की बात करते हैं, द ग्रेट गल्फ, भारी गड्ढा, ध्यान दीजिएगा परमेश्वर का वचन कहां ले जा रहा है, किस बात की ओर इशारा कर रहा है। यहां जो है ग्रेट गल्फ की बात होती है, यानी गल्फ मतलब खाड़ी देशों की बात होती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से कहें तो खाड़ी देश उनको कहा गया है जो फारस की खाड़ी के सीमा से लगे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, फारस की खाड़ी की सीमा से लगे हुए कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, यमन, ये जो हैं, और फारस को मिलाकर ये जो हैं, ये आठ देश जो हैं, ये खाड़ी देश कहलाए जाते हैं, यानी गल्फ कंट्रीज कहलाई जाती हैं। गल्फ कंट्रीज जो है वो कहलाई जाती हैं। ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है जिसमें परमेश्वर अपने भेदों को खोलता है, ये ऐसे ही नहीं है, इनके बहुत गहरे भेद है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले पहला और दूसरे पद को देखेंगे कि जहां पर लिखा कि अथाह कुंड खोला गया है, गहरा जो गड्ढा है उसके नीचे जो अथाह कुंड है वहां से जो है क्या है निकलता है, जो चीजें निकल रही हैं वो किस चीज को दर्शाया जा रहा है। फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ जो है वो कहलाई जाती है। इसके बारे में बहुत से इसके बारे में आने वाले वीडियो में भी सीखेंगे, परंतु हम सीखते हैं अब सूर्य और वायु का अंधकारमय हो जाना, ये कौन सी विपत्ति को प्रकट कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी विपत्ति को जो है प्रकट कर रहा है? परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा को आग और गंधक से उनका विनाश किया, तब उस देश में धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठा, इतना धुआं उठा कि वो पूरा देश जो था, वो पूरी तराई जो थी, वो अंधकारमय हो गई थी, अंधेरा हो गया था पूरा, इतना मतलब धुआं उसके अंदर से उठा था। और ये जो है इतिहास इस बात का गवाह है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 11वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, ये पशु एक राज को प्रकट करता है, जो पशु इसमें दिया गया है, और उसमें रहने वाले लोग, ये राज जो है ये बेबीलोन को जो है ये प्रकट करता है। जो प्रकाशित वाक्य 14 का 11 पद है, मैं आपके सामने ये पढ़ देना चाहता हूं, उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा, और जो पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। यानी उस पीड़ा में, उस आग में जो है वो पशु और जो जिनके माथे पर या जिनके दाहिने हाथ पर उस पशु की छाप होगी, वो रात दिन उस पीड़ा में जो है, आग की पीड़ा में
तड़पते रहेंगे और वहां से जो है बहुत बड़ा धुआं उठता रहेगा। और ये जो पशु है, इस पशु की जब हम बात करेंगे, ये बेबीलोन को प्रकट करता है। अब परंतु ये बेबीलोन जो है, ये नबुकदनेस्सर राजा वाला बेबीलोन नहीं है, जिसके जिसको आज के समय में हम इराक कहते हैं। ये रहस्य है, जरा ध्यान दीजिएगा इसको। ये राज्य अर्थात इस बेबीलोन का गहरा अर्थ है। अभी हम सिर्फ इतना सीखें कि ये राज जो है और उसके लोग जो हैं, जो आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेंगे और इनकी पीड़ा का धुआं युगान युग तक जो है वो उठता रहेगा। इनके लिए जो है सूर्य और वायु जो है वो अंधकारमय हो जाएगी, दूषित हो जाएगी इन लोगों के लिए। ध्यान करने की बात है। फिर लिखा है प्रकाशित वाक्य 18 का 9 और 18 पद। इन पदों में भी बेबीलोन के पतन की बात है, उनके जलने का धुआं जो है वो उठता रहेगा। इसमें भी बेबीलोन के पतन की बात की गई है, मगर ये बेबीलोन का रहस्य जो है ये बना हुआ है। जैसे जैसे हम प्रकाशित वाक्य में आगे बढ़ते जाएंगे, ये रहस्य जो है परमेश्वर के अपने आप जो है वो खुलते चले जाएंगे। फिर है जब हम प्रकाशित वाक्य 9 का 2 पद पढ़ेंगे, लिखा है यहां धुआं इस बात को प्रकट करता है कि दुनिया पर ऐसी विपत्ति आने वाली है। यहाँ जो प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 1 से 2 पद में पढ़ा है हमने, और विशेष तौर से 2 पद में लिखा कि उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गई। यानी उस कुंड में से जो धुआं निकला है, उस अथाह कुंड में से, उससे जो है सूर्य जो है क्या हो गया, अंधकारमय हो गया। और वायु का अंधकारमय हो जाने का मतलब है दूषित हो गई। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताता है। अभी प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 1 से 12 तक का जो विषय है वो खत्म नहीं हुआ, ये पहला भाग था। अब हम इसके दूसरे भाग के बारे में जो है आने वाले वीडियो में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन और क्या भेद खोलना चाहता है। जब पांचवें सरदूत ने तुर्री फूकी है तो और क्या चीज हुई है, अभी सिर्फ ये इतना ही है। तो इसको हम जान के रखें कि अथाकुंड क्या चीज है, किनको दर्शाया गया है। कि मैंने आपके आगे तीन चीजें रखी हैं। पहला, पृथ्वी के नीचे जो अथाकुंड है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में जिस जगह का नाम है उसको पताल लोक कहा गया और वहां लोग रहते हैं। और तीसरा जो है, जो गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देश, इसके बारे में जो है आने वाले समय में परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाएगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।